नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मंत्र का अर्थ क्या होता है, उसे हमें पहले समझना जरूरी है। और कई लोगों की अधीरता को जब हम देखते हैं, तो जब वो दीक्षा लेते हैं या हमारे पास किसी के फोन आते हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं, आचार्य जी हमारी 33 माला करने की इच्छा हो रही है। कोई बोलता हमें पुरस्चरण करने की इच्छा हो रही, जबकि एक माला जपने में उन्हें आधा घंटा एक घंटे का समय लग रहा है। इसके पश्चात इस प्रकार की जब वो बातें करते हैं, और कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी आज हमको पूजा करते समय हमारे हाथ पैर जो है कांपने लगे, या हमें इस प्रकार से लगने लगा, या हमारा सिर पकड़ लिया, हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमको ठीक नहीं लग रहा है, हमें बेचैनी आ रही है, तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्यों हम आपके लिए साधना में 1 से 3 माला जाप करने के लिए बोलते, ज़्यादा के लिए हम पहले क्यों नहीं बोलते? इन सब चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनें, और जो साधक हैं वो भी सुनें जो पहले से साधना करते आ रहे हैं, और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अत्यंत उपयोगी यह वीडियो होने के लिए जा रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम मंत्र को बहुत ज़्यादा जपना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी हमें गायत्री मंत्र फलित हो जाए। तो मंत्र के बारे में हम कोई चीज़ जानते नहीं हैं और उसको बहुत जल्दी बहुत मात्रा में हम जपना चाहते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक आगे चल के सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले मंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि जब आप मंत्र जपते हैं उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपका मन जो है वो एकाग्र हो सके, आपका ध्यान लग सके मंत्र में, मंत्र जाप में, और आप उस जगह तक पहुंच सकें ताकि मंत्र आपको फलित हो। मंत्र का जो है अर्थ होता है जो मन को मार दे, जो मन को मार दे उसे हम मंत्र कहते हैं। मन की जिससे मृत्यु हो जाए, जिससे मन की मृत्यु हो जाती है उसे हम मंत्र कहते हैं। मन और शरीर के बीच में जो सेतु होता है, उस सेतु को जो तोड़ने का काम करता है उसे हम मंत्र कहते हैं। तो जो मन हमारे शरीर से हमको जोड़े रखता है, तो मंत्र जो है उस सेतु को तोड़ देता है। तो जब वो सेतु से जब शरीर और मन अलग हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति जो है शिवत्व को प्राप्त हो जाता, यानी तब उस व्यक्ति को वो मंत्र फलित हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर की जो परतें हैं, मन के अंदर की जो परतें, फिर वो धीरे धीरे खुलना चालू होती हैं, और फिर व्यक्ति जो है अंतःकरण में प्रवेश करता है। लेकिन इसके लिए आज हम आपको एक प्रयोग बता रहे हैं कि आप इसे सिर्फ 15 दिन तक आप करके देखें, और उसके बाद आप जो पाएंगे कि इसके पहले आप जो मंत्र का जाप करते थे और इन 15 दिनों में जो आपने मंत्र का जाप किया, उसमें धरती आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। मंत्र जो है वो होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करता है, जैसे कि होम्योपैथिक की जो दवाई है वो धीरे धीरे असर करती है, इसी प्रकार से मंत्र भी यदि आप सोचें कि हमें इसका फल जो है बड़े जल्दी मिल जाए, तो फल आपको उतने जल्दी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप फल की जल्दी इच्छा करेंगे तो फिर आपकी जगह हानि हो सकती। मंत्र का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे किया जाना चाहिए, तभी फलित होता है।
लेकिन लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि वो, हम बोलते हैं आप एक माला से प्रारंभ करो या तीन माला तक करो, वो जल्द से तुरंत जो है 11 माला पर पहुंच जाते हैं, 27 माला पहुंच जाते हैं कि उनकी इच्छा होती नहीं हम तो 33 माला करेंगे, और फिर उसके बाद उनके फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हमको जो है अब तकलीफ़ हो रही है। तो जितनी ज़्यादा आप जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा मंत्र आपसे दूर होते हुए चला जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि फला फला व्यक्ति जो है फलाने मंत्र का जाप करता था वो पागल हो गया। क्यों हो गया पागल? क्योंकि ज़्यादा उसने डोज से ज़्यादा उस चीज़ को ग्रहण कर लिया। जैसे कि दवाई अपनी जगह पर फायदा करती है, यदि डॉक्टर ने आपको बोला कि आपका सिर दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपके पेट में गैस बन रही है, जो भी आपको बीमारी है उसके लिए यदि दिन में आपको 3 बार गोली खाने के लिए बोला है, और यदि वो तीनों गोली यदि आप एक साथ खा लेंगे कि एक तीनों तीन तीन गोली तो खाना है दिन में, और आप यदि वो तीनों गोली को एक साथ खा लेंगे तो फिर आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। यदि आप कोई सिरप दिया गया और वो पूरा सिरप आप एक साथ पी लें तब क्या होगा? तब लाभ की जगह हानि हो जाएगी आपको। इस चीज़ का आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, एकदम से आपको अपनी साधना को नहीं बढ़ाना चाहिए। एकदम से आप यदि अपनी साधना को बढ़ाएंगे जिसके लिए आपका शरीर जो है उसके लिए तैयार नहीं है, जब तक आपकी पृष्ठभूमि तैयार नहीं होगी, जब तक आपका शरीर तैयार नहीं होगा, जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा, तब तक आपको अपनी साधना को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये जो सूत्र आज हम आपको बता रहे हैं, इस सूत्र को सिर्फ आप 15 दिन अपनाएं, 15 दिन में आपको इतना आनंद आएगा जितना आप 33 माला का जाप कर रहे थे उसमें आपको नहीं आ रहा था। सिर्फ 3 माला का आपको जाप करना है। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, एक व्यक्ति जूता पहने हुए जा रहा था जिसमें उसका एक जूता उसको बहुत काट रहा था, वो साइज में थोड़ा सा छोटा था, चला जा रहा था, काफ़ी परेशान था। वहाँ से मुल्ला नसरुद्दीन निकला, उसने बोला क्यों भाई क्या बात है, आप जो है आपका जूता बहुत परेशान कर रहा है, कहाँ से लिया है? अब वो व्यक्ति वैसे ही क्रोध से भरा हुआ था तो उसने बोला कि झाड़ से तोड़ा मैंने। तो उसने बोला भैया झाड़ से तोड़ा है तो थोड़ी देर और रुक जाता, थोड़ा और बढ़ जाता, उसके बाद पहन लेता उसको, जब झाड़ सी तोड़ा था तो थोड़ी देर और थोड़े दिन रुक जाता, बढ़ जाता जूता तो उसके बाद पहन लेता। तो हम भी इसी प्रकार से साधना करते हैं कि कच्ची चीज़ तोड़ लेते हैं। साधना करनी चाहिए 3 माला की, जितनी कि हमारा मन हमको, हमारा शरीर उसके लिए आत्मसात करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो है 33 माला पर तुरंत पहुँच जाते हैं। तो स्थिति ये हो जाती है कि या तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम हर फल को, हर इच्छा को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मनोकामना वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। अब वो पूर्ण कैसे होगी? 33 माला के जाप से होगी, 1.25 लाख का अनुष्ठान से होगी, उनकी चलो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लें, जबकि आपकी मानसिकता उसके लिए तैयार नहीं है। आपकी भोजन करने की क्षमता 5 रोटी की है, 4 रोटी की, 3 रोटी की, और आप यदि 15 रोटी एक साथ खा लेंगे तो क्या होगा? फिर आप बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार से मंत्र है। तो अब मंत्र में आपका मन कैसे लगे, मन आपका स्थिर कैसे हो, इसका हम आपको एक सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र के माध्यम से आप जो है 15 दिन इसका प्रयोग करें, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 3 माला का जब आप जाप करेंगे 15 दिन तक लगातार, तब फिर आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होते हुए चली जाएंगी, और आपका मन कैसे स्थिर होते हुए चला जाएगा, और आपका फिर कैसे मंत्र में मन लगेगा। इसके लिए आपको करना क्या, जब आप सो करके उठें और जब आप अपनी पूजा स्थली पर बैठते हैं तो सबसे पहले अपने मन को, अपने हृदय को एकदम खाली कर लें। उसके लिए आपको क्या करना, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि पूजा करने के पूर्व आप 10 मिनट कम से कम जो है सांस को छोड़ें, रोकें, छोड़ें और रोकें, कमर सीधी करके बैठ जाएं, दाई हथेली ऊपर, बाई हथेली इस प्रकार से नीचे रख लें, और इस प्रकार से ऐसे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें। एक बार हम आपको करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपको सांस को रोकना है और छोड़ना है, वह विधि आपको 10 बार करना है।
इस प्रकार से फिर आपको श्वास को रोक देना है। श्वास को आपको जब तक रोक के रखना है, जब तक ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो ठसका जाएगा। आपको जो है उतनी ही देर तक रोकना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई ठसका ना लगे। तो 10 मिनट तक जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपका मन जो है वो तुरोहित हो जाएगा, आपका जो है शरीर एकदम खाली हो जाएगा। और उसके पश्चात आप सिर्फ 3 माला का आप जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना पहली शर्त, 3 माला का जाप करना दूसरी शर्त, और तीसरा आपको 10 बार जो है सांस को छोड़ना है, रोकना है 10 मिनट तक, ठीक है। उसके पश्चात माला का जाप प्रारंभ करना है। तो जब आप माला का जाप प्रारंभ करेंगे तब फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है किस प्रकार की अनुभूतियाँ प्रारंभ हो रही हैं। माला का जाप करते समय आपको पूरी आँखें बंद नहीं करना, अर्ध मतलब आधी आँखें आपको खुली रखना है, जिस प्रकार से ऐसी आधी आँखें आपको खुली रखना है, ताकि आधा जो है भाग आपका बाहर देखता रहे और आधा जो है आपके अंदर देखता रहे। तो इस प्रकार से जब आप 3 माला का जाप करेंगे, 3 माला का जाप करने के पश्चात में फिर आप 5 मिनट के लिए बाई हथेली नीचे दाई हथेली ऊपर रख करके एकदम दोनों आंखें बंद करके एकदम शांत भाव से बैठ जाएं। शांत भाव से बैठ करके आप ध्यान करें शांति कुंज हरिद्वार, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, अखंड दीपक का ध्यान करें, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरण कमलों का ध्यान करें, माँ गंगा की गोद हिमालय की छाया और उगते हुए सूरज का आप ध्यान करें। और फिर आप जब उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करेंगे, तो फिर आपके लिए लगेगा कि आपके अंदर धीरे धीरे जो है समस्त जो ऊर्जा है, समस्त जो प्रकाशपुंज है वो आपके अंदर समाहित होते हुए चला जा रहा है। और आपके अंदर फिर इस प्रकार के विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे कि जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं उनका उत्तर आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर वो आपका जो बंध है वो फलित होगा। और फिर अपने सिर को थोड़ा सा झुका लें और ध्यान करते रहें थोड़ी देर। जिस प्रकार से आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, फिर आपका फासला इतना कम हो जाएगा माँ गायत्री से कि बस आप थोड़ी सी गर्दन झुकाएंगे और वहाँ पूज्य गुरुदेव गायत्री माता आपको वहाँ पर विराजमान मिलेंगी। तो ये सूत्र यदि आप अपने जीवन में 15 दिन तक आपको इसका जो है आपको अनुसरण करना है, उसके पश्चात आपका मन इतना बेहतरीन लगने लगेगा कि 3 माला में ही आपको वो चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी जो 33 माला में नहीं होती थी। क्योंकि मंत्र का जाप उतना ही करना चाहिए जब तक आपका मन लगे, और मन ही नहीं लग रहा और आप 33 माला का जाप कर रहे हैं, तब क्या होगा, आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, कहीं आपके सिर दर्द करेगा, कहीं आपके पैर दर्द करेंगे, कहीं आपके पैर में झुनझुनी आ जाएगी, या आपका मन विचलित होगा, आपके मन में नाना प्रकार के कुविचार आएंगे। इसलिए आपको 3 माला का जाप सिर्फ अभी 15 दिन तक करना है। यह प्रयोग हम आपको 15 दिन का बता रहे हैं। और जब आपका मन इतना अच्छा लगने लगेगा और आपको इतना आनंद उसमें आने लगेगा, फिर इसके बाद उसको धीरे धीरे जो है 2-3 महीने के पश्चात आप उसको 3 की जगह 5 माला करें, 5 माला की जगह फिर 11 माला का करें, और फिर 9 रात्रि में आप जो है लघु अनुष्ठान करें। और जब लघु अनुष्ठान में भी आप उसी प्रकार का अनुभव करें और आपको लगे कि अब आपका मन बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गया है, फिर आप जो है 1.25 लाख के अनुष्ठान में जाएं। उसके पहले आपको इस प्रकार की अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे यदि आप बढ़ेंगे तो मंत्र आपको बहुत जल्दी फलित होगा, और जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा, ना तो कोई फल मिलेगा, उल्टे आपको जो है नुकसान और हो जाएगा। इसलिए लोगों के प्रायः फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कई लोगों का फ़ोन आता है कि वो 20 साल से कर रहे हैं लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। उसका सिर्फ कारण ये है कि हम धैर्य नहीं रख रहे, हमारे अंदर अधैर्यता बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक मंत्र आपको फलित नहीं होगा। इसलिए धैर्य हो करके अपने मन को एकाग्रचित करके मन को पहले मारना है। जब तक आप मन को त्रोहित नहीं करेंगे, जब तक आपकी मन की मृत्यु नहीं होगी, तब तक मंत्र फलित नहीं होगा। मंत्र का मतलब ही होता है जो मन को मार दे। और जब तक आपका मन जिंदा है, जब तक आपका मन इधर उधर विचलित होते रहता है, आपका जाप करने में मन नहीं लगता, इसका मतलब है कि मंत्र आप नहीं जप रहे हैं। और जिस दिन आपका मन मंत्र में लगने लगे तब समझो कि आपका मन जो है वो त्रोहित हो गया है, मन जो है मर चुका है, शरीर और उसका दोनों का जो सेतु है वो टूट चुका है।
फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी बदलाहट आते जाएगी और आपको मंत्र कितने जल्दी फलित होते हुए जाएगा। फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जो आप चाहते, लेकिन उसके पहले आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। किसी भी चीज़ को लेकर के यदि आप बैठेंगे कि ये मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, तो इस प्रकार से नहीं होती। जब आप किसी बीज को लगाते हैं तो जब वो वृक्ष बनता है, वृक्ष बनने के पश्चात तो उसमें फल आते हैं। अब आप कच्चे फल तोड़ लेंगे तो उनका स्वाद अलग होगा, हो सकता है वे कड़वे हों, आप खा ना सकें, लेकिन जब वो फल पक जाते हैं उसके पश्चात आप उनको खाते तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है, उसका एक अलग आनंद आता है। तो इन 15 दिनों में आप अपनी साधना को पकाएं। तो जिस दिन आपकी साधना पकना प्रारंभ हो जाए, जब आपको लगे कि 15 दिन में अब इसमें फल आना प्रारंभ हो गए, तो फिर उसको 2-3 महीने तक आप और बढ़ाएं। और जब आपको लगे कि हाँ अब फल हमारा पक चुका है, अब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है, उसके पश्चात फिर आप आराम से 9 दिन का आप जो अनुष्ठान करें, फिर 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, फिर देखें आपको धीरे धीरे कैसे साधना आपको फलित होते हुए चली जाएगी। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।